नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल पर। तो रीट पर हाई कोर्ट की तरफ से दोस्तों बहुत बड़ी खबर आप सबके लिए निकल के आ रही है। इसी के साथ दोस्तों बोर्ड अध्यक्ष DP जारौली ने दोस्तों रिजल्ट को लेकर क्या दोस्तों यहां पर जो है आदेश दिए हैं उन्होंने दोस्तों, उनकी तरफ से भी दोस्तों जो है बहुत बड़ा बयान दोस्तों सामने निकल के आया है। शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा का रिजल्ट को लेकर क्या कहना है कि आपकी परीक्षा रद्द होगी, क्योंकि SOJ की जांच कहां तक पहुंच गई दोस्तों, और हाई कोर्ट की तरफ से भी दोस्तों परीक्षा को रद्द करने को लेकर आप सबके लिए फैसला आ चुका है। रिजल्ट कब आएगा दोस्तों, कितने अंक तक के आपके बोनस मिलेंगे, पदों में बढ़ोतरी होकर 50,000 पद किए जाए, स्टूडेंट लगातार मांग कर रहे हैं और इस मांग को लगातार मैं दोस्तों आपके लिए दोस्तों जो सपोर्ट कर रहा हूँ। इस वीडियो को शेयर कर दिया करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट हमसे जुड़ सके हैं दोस्तों, और जो 50,000 पद को लेकर दोस्तों जो है सरकार तक हमारी बातें पहुंचे और इस पदों को बढ़ाया जाए, क्योंकि 2 साल बाद दोस्तों ये भर्ती आयोजित हो रही है। रीट का रिजल्ट दोस्तों अब ज़्यादा समय नहीं है, रिजल्ट से पहले ही अगर पदों में बढ़ोतरी हो जाती है तो कहीं ना कहीं आप सबके लिए बेनिफिट रहेगा। पासिंग मार्क की बात करूँ तो दोस्तों OBC में 60% और सामान्य वर्ग में भी 60%, अनुसूचित जाति के लिए 55%, सहरिया जनजाति के लिए 36%, महिला और भूतपूर्व सैनिकों के लिए 50% और दिव्यांग वर्ग के अभ्यर्थियों को 40% अंक यहाँ पर लाना अनिवार्य रहता है दोस्तों। तब आपके लिए दोस्तों ये क्वालिफायर मार्क्स है, और दोस्तों आपकी जो कट ऑफ है वो डिपेंड करती है पेपर के लेवल पर। और दोस्तों आपको यहाँ ये देख सकते हैं, रीट को रद्द करने को लेकर हाईकोर्ट ने इनकार किया है, और दोस्तों हाईकोर्ट से ऊपर कुछ नहीं होता। हाईकोर्ट ने साफ तौर पर मना कर दिया है कि भले ही कुछ लीकेज में ही पूरी परीक्षा को रद्द नहीं कर सकते, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट नीट के मामले में कह चुका है कि कुछ लीकेज के लिए अन्य आम छात्रों के हितों को अनदेखा नहीं किया जा सकता, क्योंकि काफ़ी सारे स्टूडेंट की जो है रिजल्ट से निगाहें जुड़ी हुई हैं कि रिजल्ट आएगा, और इसलिए दोस्तों इस जो है भर्ती को रद्द नहीं किया जाएगा। जहां पर पेपर लीक हुआ था दोस्तों वहां पर जो है हालांकि एग्जाम करा लिया गया है, लेकिन पेपर कई जगह लीक हुआ है, लेकिन पेपर को पूरे को दोबारा से आयोजित करवाना दोस्तों काफ़ी टेढ़ी खीर होने वाली है। रीट परीक्षा का परिणाम दोस्तों अक्टूबर माह के अंत में तो नहीं आएगा, लेकिन नवंबर में जारी होने की पूरी संभावना है। 15 नवंबर तक दोस्तों आपका रिजल्ट वो आ जाएगा। इसके बाद दोस्तों आपको ऑब्जेक्शन का मौका मिलेगा, जहीं से दोस्तों आपको जो है बोनस अंक मिलने की संभावना है। जी हाँ दोस्तों, रीट में बोनस अंक 10 नंबर से ज़्यादा के बोनस आपको मिल सकते हैं, इसलिए ऑब्जेक्शन जरूर लगाएं दोस्तों। इसको लेकर मैंने आपको क्वेश्चनों की जो डिटेल से लिस्ट भी बता दी विद प्रूफ, जहाँ से आप उसको ऑब्जेक्शन लगा सकते हैं दोस्तों। NCERT की बुक के हिसाब से दोस्तों उस क्वेश्चन को सही माना जाएगा, इसलिए अगर आपको किसी भी क्वेश्चन पर दोस्तों डाउट है ऑब्जेक्शन जरूर लगाएं, आपत्ति लगाएं, ताकि दोस्तों आपको बोनस अंक मिलें। अगर आपके 4 से 5 नंबर भी बढ़ जाते हैं दोस्तों तो कहीं ना कहीं आप सबके लिए बेनिफिट रहेगा। तो रिजल्ट को लेकर दोस्तों आप सबके लिए बहुत बड़ी खबर आ चुकी है। आपका रिजल्ट दोस्तों ये देख सकते हैं, हाईकोर्ट ने इसको लेकर दोस्तों अब इनकार कर दिया, यानी हाईकोर्ट ने अच्छी खबर दी है कि अब आपकी भर्ती रद्द नहीं होगी। जो स्टूडेंटों के मन में डाउट था अपने दोस्तों, रिजल्ट अब आपका जल्दी आएगा। आप एक ही दोस्तों यहाँ पर जो आपको सरकार से मांग करनी है वो है 50,000 पद, ताकि जितने भी स्टूडेंट हैं उन सब की आराम से जो है 100+ भी नंबर हैं तो उनका भी अगर 50,000 हो जाता है दोस्तों तो आराम से उनको भी यहाँ पर दोस्तों जो है कॉलेज है वो माफ कीजिएगा उनको भी पद है वो मिल जाएगा, सिलेक्शन हो जाएगा। तो वीडियो को शेयर कर दिया करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें दोस्तों। आज की वीडियो इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।